वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। सो इस वीडियो में हम देख रहे हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है लैंग्वेजेस में। तो ये है इंग्लिश कुमार भारती की स्टैंडर्ड 10th की टेक्स्ट बुक। यहाँ पे जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है एक्चुअली दो टाइम हुआ, एक बार 15% सिलेबस रिडक्शन हुआ और दूसरी बार 25%। तो जो फर्स्ट टाइम सिलेबस रिडक्शन हुआ, ये देखिए यूनिट 1 जो फर्स्ट चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो उसके अंदर ये वार्मिंग अप जैसे कैंसिल किया गया। जब सेकेंड टाइम हुआ था वो थोड़े चैप्टर और पोएम्स भी उन्होंने कैंसिल किए हैं, पर जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें उन्होंने ज्यादातर कंपोजिशन पार्ट, रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग वगैरह ऐसे सवाल कैंसिल किए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है पेज नंबर 2 पे, पूरा पेज कैंसिल्ड है। पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोयम पूरी है, खाली वार्मिंग अप कैंसिल किया गया है। पेज नंबर 3-4 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल्ड है। फिर पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल्ड है। पेज नंबर 7 नया चैप्टर थीफ स्टोरी आता है, उसकी वार्मिंग अप है, कंप्लीट है, चैप्टर भी पूरा है। फिर आगे हम देखेंगे पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल है, ठीक है। फिर ये 1.2 था यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, तो इसका वार्मिंग अप जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी ये है, लेकिन पूरा चैप्टर कैंसिल किया गया है। ये बहुत ही फैक्चुअल और यू नो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर था, तो ये कैंसिल हो गया, तो काफी बच्चे खुश हो गए होंगे। तो ऑन विंग्स ऑफ करेज पूरा चैप्टर कैंसिल, ये आप देख सकते हैं पेज 15, पेज 16, पेज 17 पूरा कैंसिल है। पेज 18 इंग्लिश वर्कशॉप भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल है, क्वेश्चन 6 नहीं है। तो प्लीज मार्किंग सही से कीजिए, गलत मार्किंग करोगे तो आप बोलोगे यार सिलेबस में नहीं था लेकिन पूछा गया तो कैसे पूछा गया। तो मार्किंग सही से समझ के करनी है, जो उन्होंने जो एग्जैक्टली बताया कहाँ से कहाँ तक कैंसिल्ड है, कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैंसिल्ड है। जैसे मैंने इसमें भी कहा यहाँ पे वार्मिंग अप था और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, पूरा चैप्टर कैंसिल्ड है लेकिन वार्मिंग अप है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी है, क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल्ड है लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ये सिलेबस में है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कैंसिल्ड है मतलब उसका सब कुछ कैंसिल्ड ऐसा नहीं है, थोड़े पार्ट्स उन्होंने रखे। फिर 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज यहाँ पे है, ये चैप्टर ये पोयम है। तो ये देखिए 23, 24, 25 पे कुछ कैंसिल नहीं है, 26 पे भी नहीं, 27 पे क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल्ड है। फिर आता है 1.5 जून ऑफ आर्क, इसमें भी चैप्टर कैंसिल नहीं है, ये है आपको पूरा चैप्टर। अब नेक्स्ट जो कैंसिलेशन है वो है इसके वर्कशॉप में, हम देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप जो इसका है, यहाँ पे जो इनिशियल क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल्ड है। फिर जाते हैं 1.6 एल्केमी ऑफ नेचर पे, तो ये भी है कैंसिल नहीं हुआ है, ये यहाँ देखिए ये पूरा चैप्टर है इंग्लिश वर्कशॉप में। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9A कैंसल्ड है, सिर्फ 9A कैंसल्ड है, तो ये आप क्लियर रहना होगा 9A सिर्फ कैंसल्ड है, 9B कैंसल्ड नहीं है। पेज 43 पे क्वेश्चन नंबर 11 कैंसल्ड है, तो एग्जैक्ट मार्किंग्स करनी जरूरी है। और ये देखिए फिर आता है यूनिट 2, 2.1 एनिमल्स, यहाँ पे ये पोयम पूरी है, वार्मिंग अप भी है और पोयम भी है सिलेबस में। इंग्लिश वर्कशॉप का पार्ट 47 पेज नंबर पे सब कुछ है, 48 पेज नंबर का सब कुछ है, एंड इवन पेज 49, तो इसके एक्सरसाइज पूरी है। 3 क्वेश्चंस 2.2 इसको भी रिटेन किया गया है, ये पूरा है। नेक्स्ट जो कैंसिलेशन आता है वो आता है पेज नंबर 56 पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से जो पूरा है ये पूरा का पूरा पेज कैंसिल है। पेज नंबर 57 भी पूरा कैंसिल है। फिर आते हैं पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे ये है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो कैंसिल है। फिर नेक्स्ट आता है 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स, तो ये इसका वार्मिंग अप भी है, चैप्टर भी है। जो कैंसिल्ड पार्ट है वो है यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये तीन सवाल कैंसिल्ड है। फिर आता है 2.4 द पुली पोयम, तो इसका भी वार्मिंग अप भी है,
पोयम भी है। इसका इंग्लिश वर्कशॉप जो है देखिए पेज 72 भी पूरा है, 73 भी पूरा है, 74 भी पूरा है, 75 क्वेश्चन नंबर 8 जो है पेज 75 पूरा कैंसिल्ड है। फिर आता है 2.5 यूनिट 2 का फिफ्थ चैप्टर, ये लेट्स मार्च, तो ये भी इसका वार्मिंग अप में क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल्ड है। ठीक है, 1-2 है, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल्ड है, क्वेश्चन 4 भी है, पूरा चैप्टर भी है आपको। नेक्स्ट कैंसिलेशन जो आता है वो इंग्लिश वर्कशॉप में आता है, हम देखेंगे। ये देखिए तो ये बड़ा चैप्टर है इंग्लिश वर्कशॉप में, क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीटली कैंसिल है, सिर्फ ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 13 ये भी पूरा कैंसिल्ड है। और 2.6 जो चैप्टर है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये भी पूरा ड्राई चैप्टर है, लेकिन ये पूरा अब कैंसिल हो गया है, तो वार्मिंग अप के साथ पूरा चैप्टर कैंसिल्ड है। तो आप देख सकते हैं पेज 89 से पूरा, पेज 89, पेज 90, पेज 91, 92, 93, 94 पूरा कैंसल्ड है, 95 भी पूरा कैंसल्ड है, 96 भी पूरा कैंसल्ड है। इसमें लिखा गया है कि सब कुछ 97 कैंसल्ड, 98 कैंसल्ड, 99 कैंसल्ड, दैट इज वेयर द चैप्टर एंड्स। पूरा इंग्लिश वर्कशॉप भी इसका कैंसल्ड है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का। तो यहाँ यूनिट 2 खत्म होता है, यूनिट 3 स्टार्ट होती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से। तो ये पोयम है आपको सिलेबस में, इसका वार्मिंग अप भी है। जो कैंसिलेशन आता है वो आता है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैंसल्ड है और क्वेश्चन नंबर 10 कैंसल्ड है। ये पोयम है 3.2 द नाइट टाइम एट आइंस्टाइन, इसका वार्मिंग अप भी है, चैप्टर भी है आपको। तो थोड़ा एक्सरसाइज में जो पार्ट कैंसल्ड होता है इंग्लिश वर्कशॉप जो कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 आर कैंसल्ड। फिर आता है 3.3 स्टीफन हॉकिंग, तो ये भी पूरा रिटेन किया गया है, तो ये चैप्टर पूरा है, वार्मिंग अप भी है। इंग्लिश वर्कशॉप में पेज नंबर 121 ये पूरा इसका इंग्लिश वर्कशॉप भी है, स्टीफन हॉकिंग का इंग्लिश वर्कशॉप से भी कुछ भी कैंसिल नहीं है। विल टू विन 3.4 जो पोयम है ये पूरी पोयम कैंसल्ड है वार्मिंग अप के साथ। तो दो पेज वार्मिंग अप के जो है पेज 122 123 कैंसल्ड है, पोयम जो पेज 124 पे वो पूरी कैंसल्ड है, और इंग्लिश वर्कशॉप भी पूरा का पूरा कैंसल्ड है। तो पूरे कैंसिलेशन से आप करोगे पेज 125, 126 एंड 127 पूरा कैंसल्ड है। फिर आता है 3.5 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, वार्मिंग अप है, चैप्टर भी है आपको, सिलेबस से निकाला नहीं गया है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो होती है इंग्लिश वर्कशॉप जो होती है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा कैंसल्ड है, फैक्ट्स अबाउट मैरी कॉम, तो क्वेश्चन कैंसल्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये पूरे के पूरे कैंसल्ड है। तो ये कंपोजिशन ही पार्ट होता है ज्यादातर, ये क्वेश्चन आंसर्स भी है, तो ये कैंसिल्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 आर आल्सो कैंसिल्ड, ये मैरी कॉम चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट आएगा 3.6 द कंसर्ट, तो ये भी पूरा चैप्टर है, वार्मिंग अप भी रिटेन किया गया है, चैप्टर भी पूरा रिटेन्ड है। ये देखिए पेज 141 तक ये चैप्टर है। फिर आता है इंग्लिश वर्कशॉप, तो इंग्लिश वर्कशॉप में भी यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन एंड 8 नंबर क्वेश्चन कैंसिल्ड है, सिर्फ दो सवाल 7 एंड 8, बाकी पूरा सिलेबस में है। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, तो 7, 8 एंड 10 आर कैंसिल्ड। फिर आते हैं फोर्थ यूनिट पे, यहाँ पे स्टार्ट होता है पोयम से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ये पूरी पोयम वार्मिंग अप के साथ पूरी की पूरी कैंसिल्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पोयम शुरू होती है और खत्म भी होती है, तो ये पूरा कैंसिल्ड है। इवन पेज 149 तक पूरा पोयम का जितना भी पार्ट है वो पूरा कैंसल्ड है। फिर आता है यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर जो है द लंचन, यहाँ पे भी वार्मिंग अप पूरा है और चैप्टर भी पूरा है, पेज 152, 153, 154 द चैप्टर एंड्स एट 154। फिर इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल किया गया है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑन पेज नंबर 155। फिर 156 पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूरा कैंसिल। फिर आते 4.3 वर्ल्ड हेरिटेज पे,
तो यहाँ देखिए वर्ल्ड हेरिटेज में भी वार्मिंग अप भी पूरा रिटेन किया गया है, चैप्टर भी पूरा रिटेन किया गया है, देखिए टिल पेज 162। उसके बाद जो है इंग्लिश वर्कशॉप शुरू होता है, वो भी पूरा सिलेबस में ही है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो देखिए यहाँ पेज नंबर 147 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली कैंसल्ड है, 165 पे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटली कैंसल्ड है 166 पे, और फिर ये पूरा फ्लो चार्ट भी बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कैंसल्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 कैंसल्ड है, तो ये देखिए ऐसा है। तो ये आपको एग्जैक्ट मार्किंग्स करनी है, चैप्टर में कौन सा पेज पे कौन सा क्वेश्चन नंबर कैंसल्ड है वो एग्जैक्टली मार्क करना है। नेक्स्ट आता है 4.4 द हाइट ऑफ रिडिकुलस। तो ये जो पोयम है इसका वार्मिंग अप पूरा है, पोयम भी पूरी है, जो कैंसिलेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पेज नंबर 173 पे। तो यहाँ पेज 173 पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 सब कैंसल्ड है। 4.5 है ओल्ड मैन इन द सी बुक रिव्यू, तो ये बुक रिव्यू वाला चैप्टर है, उसका भी वार्मिंग अप रिटेन किया गया है, चैप्टर भी रिटेन किया गया है, और वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 कैंसिल है। इवन क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 भी कैंसिल है ऑन पेज 178। फिर लास्ट चैप्टर जो आता है द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये बड़ा चैप्टर है और इसको कंप्लीटली यू नो निकाल दिया गया है, तो इसका पूरा पार्ट वार्मिंग अप भी, पूरा चैप्टर भी, और उसके बाद जो एक्टिविटी भी है वो भी पूरा निकाल दिया गया। तो बहुत बड़ा है, लेंथी चैप्टर था जो पूरा निकल चुका है। ये देखिए अलोंग विद द एक्सरसाइज, अलोंग विद वार्मिंग अप एंड अलोंग विद द एक्सरसाइज आल्सो। तो ये पूरा टिल पेज नंबर आप देख सकते हैं 190 जो है वहां तक पूरा कैंसिल किया गया। तो ये था इंग्लिश का कुमार भारती का रिड्यूस सिलेबस। अब हम देखेंगे हिंदी का रिड्यूस सिलेबस। अब हम देखेंगे हिंदी लोक भारती का सिलेबस रिडक्शन। तो यहाँ पे भी एक्चुअली पूरे पूरे चैप्टर्स रैपिड और पोएम्स कैंसिल किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि चैप्टर के बाद एक्सरसाइज के बाद जो भाषा बिंदु है और जो उपयोजित लेखन है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो हम स्पेसिफिकली भी देखेंगे चैप्टर के अंदर कैसे कितना कैंसल्ड है, लेकिन इंडेक्स में आप देख लीजिए चैप्टर 2 लक्ष्मी पूरा कैंसल्ड है पहली इकाई में, चैप्टर 5 गोवा जैसे मैंने देखा पूरा कैंसल्ड है, नंबर 7 ये पूरा पठन है रैपिड है खुला आकाश ये भी पूरा कैंसल्ड है, और लास्ट में पहली इकाई में नंबर 11 पोयम है कृषक का गान ये पूरा कैंसल्ड है। दूसरी इकाई में 2 कैंसल्ड है, तो ये देखिए नंबर 3 श्रम साधना ये पूरा चैप्टर कैंसल्ड है, और नंबर 8 पे ये पोयम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा तो ये पूरी कैंसल्ड है। तो एक्चुअली पोयम में तो भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन नहीं होता, लेकिन जहाँ चैप्टर्स में है वो कैंसल्ड नहीं है। तो हम देखेंगे जैसे कि लक्ष्मी का आप देख सकते हैं फर्स्ट पोयम तो पूरी है, सेकंड जो लक्ष्मी है लक्ष्मी में देखिए पेज नंबर 3 पूरा कैंसल्ड है, 4 पूरा कैंसल्ड है, 5 पूरा कैंसल्ड है, पूरा चैप्टर कैंसल्ड है, 6 नंबर पेज कैंसल्ड है, 7 कैंसल्ड है, 8 स्वाध्याय जो शुरू होता है वो पूरा कैंसल्ड है, लेकिन पेज 9 पे जो भाषा बिंदु है ये कैंसल नहीं है, और ये उपयोजित लेखन जो है वो कैंसल्ड नहीं, तो ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट आप जाओगे पेज नंबर 18, तो यहाँ पे पेज नंबर 18 पे जो है हमारा चैप्टर शुरू होता है गोवा जैसे मैंने देखा, तो ये जो पूरा चैप्टर है ये देखिए पेज नंबर 18 पे ये पूरा कैंसल्ड है। तो चैप्टर पूरा कैंसल्ड है, पेज 18, पेज 19, पेज 20, पेज 21 और स्वाध्याय भी पूरा कैंसल्ड है पेज 22, लेकिन भाषा बिंदु है, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन इस चैप्टर का भी है। फिर नेक्स्ट जो था हमारा जो पूरक पठन खुला आकाश, तो इसके लिए आपको जाना होगा पेज 27 पे। तो ये देखिए पेज 27 पे खुला आकाश ये पूरक पठन पूरा कैंसल्ड है, पेज 27, पेज 28, पेज 29 एंड इवन स्वाध्याय, तो पेज 30 भी पूरा कैंसल्ड है। ठीक है, भाषा बिंदु यहाँ पे भी आ गया है, भाषा बिंदु सिलेबस में है, अपठित गद्यांश भी इसके आगे वो भी सिलेबस में है, तो पेज 31, 32 जो है वो कैंसिल नहीं होगा। फिर अगला जो था हमारा कैंसिलेशन वो था हमारी पोयम कृषक का गान, ये है पेज नंबर 49 पे, तो इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 49 पे। ये देखिए ये रहा कृषक गान, तो ये पूरी पोयम कैंसिल्ड है,
पेज 49, पेज 50 पूरा कैंसिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पहली इकाई खत्म होती है। दूसरी इकाई में जो कैंसिल्ड है वो है श्रम साधना। श्रम साधना शुरू होता है पेज नंबर 58 पे। तो ये देखिए पेज 58 पे हम जाएंगे, श्रम साधना ये पूरा कैंसल्ड है। पेज 58, पेज 59, पेज 60, पेज 61, पेज 62, पेज 63 कैंसिल। लेकिन भाषा बिंदु है, भाषा बिंदु उपयोजित लेखन है। ठीक है, और फिर लास्ट जो है कैंसिलेशन है वो है हमारा पोयम। एक पोयम इन दूसरी इकाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जो स्टार्ट होता है होती है पोयम पेज 80 पे। तो पेज 80 पे पूरी पोयम कैंसल्ड है, पेज 80 और स्वाध्याय भी पेज 81 भी कैंसल्ड है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस जो रिडक्शन है वो है। तो कैंसिलेशन के अलावा बाकी सब कुछ सिलेबस में है। नेक्स्ट हम देखेंगे मराठी अक्षर भारती 10th स्टैंडर्ड का क्या सिलेबस रिडक्शन है। तो इसका इंडेक्स हम देखेंगे, ये देखिए। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली भाग एक में कुछ भी कैंसिल नहीं है, भाग दो में चैप्टर नंबर 6 चूड़ी वाला पूरा कैंसल्ड है, भाग तीन में नंबर 10 रंग साहित्य पूरा चैप्टर कैंसल्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर। और इवन जो यहाँ भाग तीन का जो स्थूल वाचन है रैपिड है जगड़ों कैक्टस ये पूरा कैंसल्ड है, और भाग फोर में ये बीच पेड़ ले गए ये पूरा चैप्टर भी कैंसल्ड है। तो ये कैंसिलेशन है, चैप्टर्स ही कैंसिल हुए हैं इन मराठी। तो इसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको जाके कैंसिल करना है। देखिए पेज नंबर 19 पे पूरा चूड़ी वाला चैप्टर, और जहां वो खत्म होता है पूरा एक्सरसाइज के साथ पूरा का पूरा। रंग साहित्य से भी पेज 36 से पूरा चैप्टर कैंसिल करना है, पेज 47 से जगड़ा कैक्टस का पूरा चैप्टर कैंसिल करना है, और इवन पेज 52 से बीच पेड़ ले गए पूरा चैप्टर कैंसिल। तो ये आपका सिलेबस रिडक्शन है फॉर मराठी। सो दैट इज इट। लैंग्वेजेस में अच्छा है, पूरे पूरे चैप्टर्स भी कैंसिल हुए तो आपका रीडिंग वर्क डिक्रीज हो जाता है। इंग्लिश में और डिटेल्ड रिडक्शन भी बताया है, जो एक्सरसाइज के और पार्ट्स नहीं करने, जो लोग नहीं करते हमेशा से वो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो करते हैं रिलीजियसली सब कुछ उनके लिए और ये एक्स्ट्रा रिडक्शन भी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो और डेडिकेशन से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो गई। अगर सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जाम नहीं हो गए तो आपका एक साल कैसे आगे जाएगा, एक साल वेस्ट होगा। वो बोर्ड भी नहीं चाहेगी कि बच्चों का एक साल वेस्ट हो, तो एग्जाम तो किसी तरह से हो गए। तो इसीलिए सिलेबस रिडक्शन जब है तो एग्जाम होना ही है, आपको प्रिपेयर करना है। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।